केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे पीएम के साहसिक कदमों की प्रशंसा करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को पेट्रोल डीजल पर डिस्काउंट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो बड़े साहसिक थे। एक आंकड़ा साझा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले हम रूस से केवल 2% कच्चा तेल आयात करते थे जो कि पिछले कुछ महीने में बढ़कर 12-13% हो गया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों ने रूस से क्रूड ऑयल और गैस पाने के लिए अपने तरीकों से पेश आने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की राजनीति कौशल को श्रेय देती हूँ कि हमने सभी देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखे और फिर भी हम रूस से आज तक ईंधन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति और अन्य कारकों के साथ बेहतर समन्वय करना होगा। आर्थिक थिंक टैंक ICRIER द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन को केवल मौद्रिक नीति के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा करना कई देशों में पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI को कुछ हद तक एडजस्ट करना होगा, वर्तमान में यह समन्वय उतना ही नहीं हो सकता जितना अन्य पश्चिमी विकसित देशों में है। मैं रिजर्व बैंक को कुछ बता नहीं रही हूँ, मैं कोई निर्देश नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति पर भी काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।